हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं। हमारे बहुत सारे मित्रों ने हमसे ये सवाल किया कि सर, मोबाइल के माध्यम से यूडाइस प्लस कैसे भरें, तो मैं इसी के संदर्भ में ये वीडियो बना रहा हूं और आपको बताना चल रहा हूं दोस्तों कि आप जो है अपने मोबाइल से यूडाइस प्लस कैसे भरेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पर सेट कर दीजिए। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि यूडाइस प्लस भरने के लिए आपको जो है एक लिंक मिलेगी। ये जो लिंक आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर जो हमने लिंक लिख रखा है https://udaisplus.gov.in, उसके बाद #home, ये लिंक आप ओपन करेंगे तब आपका यूडाइस प्लस दिखाई पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं, हम ले चलते हैं और इस लिंक को हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस लिंक को ओपन करने पर, लिंक को टच करने पर क्या खुलेगा। इस लिंक को मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसको टच करके खोल सकते हैं यूडाइस प्लस को। तो मैं इस लिंक को ओपन कर रहा हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, देखिए लिंक को टच करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल खुल करके आ गया है जहाँ लिखा हुआ है यूडाइस प्लस स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं और हम इन्हें पढ़ने की फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है। हाँ, आप चाहेंगे तो ओपन होने के बाद आप इसे पढ़ सकते हैं। हम तो डायरेक्ट आपको ले चलना चाहते हैं, आपको बताते हैं कि ये आप इसमें कैसे इंटर करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो नीले रंग की पट्टी दिख रही है उसके जो है बाएं साइड में घर लिखा है और दाहिने साइड में आपको त्यां तीन लाइन दिख रही है। इन्हीं तीनों लाइन को हम यहाँ पर टच कर दे रहे हैं। इनको जब टच कर देंगे तो जो है इस तरह से कुछ खुल करके आपके सामने आ रहा है। ठीक है, हम इसका भाषा बदल लेते हैं, इंग्लिश कर देते हैं तो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आती है बात। देखिए, इंग्लिश कर लिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है नो योर स्कूल, उसके बाद लॉगिन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लॉगिन का बटन दबा देंगे। लॉगिन पोर्शन को हमने टच कर दिया और थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो लॉगिन के बाद ये आपके सामने दिखता है, लॉगिन फॉर स्टेट या यूनियन टेरिटरी, फिर लिखा है लॉगिन फॉर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर फॉर यूडाइस प्लस 2019-20 फॉर ऑल स्टेट या यूनियन टेरिटरी लॉगिन। अब फिर नीचे लिखा है लॉगिन फॉर स्कूल यूज़र मैनेजमेंट 2020-21। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको लॉगिन करना है, ये लॉगिन फॉर उत्तर प्रदेश, तो हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार के लिए 2020-21 के लिए है, तो हम यहाँ पर लॉगिन करने वाले हैं। ये अपना उत्तर प्रदेश वाला, यहाँ पर हम टिक कर देते हैं, उत्तर प्रदेश टिक कर दिया। आपके सामने ये पोर्टल खुल करके आ रहा है, ठीक है, इसे इंग्लिश में कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको लॉगिन फॉर ऑल यूजर्स, यूज़र नेम, यहाँ आप अपनी यूज़र आईडी डालेंगे, फिर नीचे आप अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है DDDE2B4F इसको डालेंगे, और डालने के बाद फिर यहाँ पर लॉगिन जो है, लॉगिन का जो बटन है उस लॉगिन के बटन को जो है आप यहाँ पर दबा देंगे जो है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ लॉगिन फॉर अदर स्टेट लिखा है और आगे है, आप ये जब तीनों चीज़ें भर देंगे जो है, भर करके आपको इसको क्या करना है, लॉगिन का बटन दबाना है और आपका जो है ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन फॉर अदर स्टेट, यहाँ पर लिखा हुआ लॉगिन ओनली फॉर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड बिहार। तो आप ये भरने के बाद, यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा भरने के बाद लॉगिन ओनली फॉर उत्तर प्रदेश इसको आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब जो पोर्टल आपके सामने खुलेगा, मैं अब आपको वो आगे बताने चल रहा हूँ। यहाँ दोस्तों, अब आप इस यूज़र मैनुअल से समझ लीजिए, जो मैंने आपको जो है वेबसाइट यानी लिंक दिया था, वो लिंक आप डालेंगे udaisplus.gov.in डाल करके सर्च करेंगे तो इस तरह का पोर्टल आपके पास खुल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है यूडाइस प्लस, ठीक है, ऐसा पोर्टल जो है आपके सामने खुलेगा इस साइट से। उसके बाद आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको लॉगिन फॉर स्टेट आर यूनियन टेरिटरीज डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड स्कूल्स। तो आपको ये जहाँ एरो बना हुआ है ये आपको क्लिक करना है, जैसे मैंने आपको ओपन करके बताया था कि लॉगिन फॉर उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश, इसको आप इस लॉगिन को क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको जब आप क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो फिर आप पहुँच जाएंगे अगले पोर्टल पर और अगला पोर्टल कुछ आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा, जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको दिखा दिया था। ऐसा दिखाई पड़ेगा, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, यहाँ कैप्चा डालना है और उसके बाद फिर नीचे लॉगिन का बटन आएगा, इस लॉगिन के बटन को क्लिक कर देंगे और लॉगिन हो जाएगा। यहाँ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें, क्लिक कर देंगे ये आपका जो है लॉगिन हो जाएगा।
ठीक है, जब लॉगिन हो जाएगा तो अगला पोर्टल जो आपके सामने खुल करके आएगा वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूडाइस प्लस ऐसा दिखेगा अगला। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम अमित श्रीवास्तव, ऐसे ही यहाँ पर आपका नाम लिख जाएगा और आपका लॉगिन आईडी लिख जाएगा, लॉगिन जो है मोबाइल नंबर लिख जाएगा, ब्लॉक एंट्री यूजर लिख जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपको दिखाई पड़ेंगी। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लॉक नेम आपको अपना दिखाई पड़ेगा, फिर टोटल स्कूल्स ऑपरेशन दिखाई पड़ेंगे। तो हमें अब जो है क्लिक करना है यहाँ पर टोटल स्कूल ऑपरेशन, जहाँ आपको एरो दिख रही है, ठीक है, इस पॉइंट को जो है हमें क्लिक करना है। इसको हम टिक करेंगे और टिक करने के बाद अगले पोर्टल पर हम पहुंच जाएंगे। इस पोर्टल में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टोटल स्कूलों की संख्या पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आप कहेंगे यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है, तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको जो है आपकी ब्लॉक से मिलेगा, आपकी बीआरसी से प्राप्त हुआ होगा, आप उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड का जो है आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए अगला पोर्टल खुलने के बाद आप पहुँचेंगे इस पोर्टल पर। इस पोर्टल पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे स्कूल का नाम दिख रहा है, यूडाइस कोड दिख रहा है, स्कूल कैटेगरी यहाँ पर दिखेगी आपको। ठीक है, फॉर्म एंट्री स्टेटस दिखेगा, लास्ट मॉडिफाइड, ये सारी चीज़ें दिखेंगी और आपका नाम ऊपर दिखता रहेगा। अब यहाँ आपको जो सर्च बार बना हुआ है, जहाँ तीर लगा हुआ है, यहाँ पर सर्च बार में यहाँ आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड भरना है। आपके स्कूल का जो भी यूडाइस कोड है उस यूडाइस कोड को आप यहाँ पर भर देंगे। भरने के बाद आप सर्च बटन जो है दबा देंगे। जिस स्कूल की एंट्री करनी है यहाँ उसका डाइस कोड लिखें। डाइस कोड डालने पर स्कूल स्वतः सर्च होकर सामने प्रदर्शित होगा। जैसे ही आप डाइस कोड डालेंगे आपका स्कूल ओपन हो जाएगा और ओपन होकर के जो है आपके सामने इस तरह से कुछ आ जाएगा, जैसा कि आपको अगले पोर्टल में ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह दिखाई पड़ेगा, आपका जो है स्कूल का नाम लिख जाएगा, यूडाइस कोड लिख जाएगा जैसा कि एरो में दिखाया गया है, और जो जो चीज़ें यहाँ पर हैं इस तरह का आपका पोर्टल खुल जाएगा। अब क्या करना है, डाइस कोड डालने के बाद उक्तानुसार वह स्कूल प्रदर्शित होगा। अब इस स्कूल की एंट्री शुरू करने के लिए नीले डाइस कोड वाली पट्टी पर क्लिक करें, जहाँ पर ये एरो बना हुआ है इसी पट्टी पर इसी यूडाइस कोड को आप क्लिक कर देंगे, यहाँ टच कर देंगे। टच करने के बाद दोस्तों फिर आप पहुँच जाएंगे अगले पोर्टल पर। जब अगले पोर्टल पर आएंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। और ये जो सेक्शन है, स्कूल प्रोफाइल लोकेशन स्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये दिखाई पड़ेगा, जिसमें पहला ये है 1.1 से 1.14 तक, दूसरे में 1.15 से 1.26 तक, और तीसरे में 1.27 से 1.39 तक, चौथे में है 1.40 से 1.49 तक, और पाँचवें में 1.50 से 1.51, और छठे में जो है यहाँ पर 2.11 से 2.16 और 2.17 से 2.19। इतनी इंट्रीज हैं यहाँ पर। पहला प्रोफाइल है, दूसरा कैटेगरी है, तीसरा लैंग्वेज है, चौथा आरटी नाम से है, मैनेजमेंट है, क्लासरूम है, और टोटल फैसिलिटी है। तो सबसे पहले हम जो है पहले कॉलम को टिक करेंगे, प्रोफाइल वाला जहाँ एरो दिख रहा है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हम अगले पोर्टल पर पहुँचेंगे। तो यहाँ इस तरह से आपको यही करना है कि स्कूल एंट्री को उक्तानुसार सेक्शन एवं प्रपत्र DCF के बिंदु अनुसार विभाजित किया गया है, जिसमें वन बाई वन सभी बिंदुओं की एंट्री पूर्ण करनी है। किसी भी बिंदु क्रमांक सेक्शन की एंट्री करने के लिए बिंदु क्रमांक के सामने फॉर्म नेम पर क्लिक करें। जैसे बिंदु क्रमांक 1.1 से 1.14 तक की एंट्री करनी है तो बिंदु क्रमांक 1.1 से 1.14 के सामने फॉर्म प्रोफाइल पर क्लिक करें। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि पहले प्रोफाइल पर क्लिक करिए। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद सब कुछ भरने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आप अगले कॉलम में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। बार बार आपको यहाँ वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोफाइल को कंप्लीट करिएगा। कैसा दिखेगा प्रोफाइल वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अगले पोर्टल में आपको ये प्रोफाइल दिखाई पड़ेगी, जिसमें आपका लिखा हुआ है यूडाइस, जियोग्राफिकल लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, स्कूल नेम हो गया, और क्या आपका स्कूल रूरल है, अर्बन है, शहरी है, ग्रामीण है, विलेज नेम हो गया, नेम ऑफ क्लस्टर हो गया यानी कि आपका जो NPRC है उसका नाम, पिन कोड हो गया, नेम ऑफ ग्राम पंचायत, ब्लॉक हो गया, यानी इसमें जितने भी कॉलम आपको दिख रहे हैं ये सारे कॉलम आपको भरने हैं। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जिन जिन कॉलम जिन जिन के ऊपर जो है रेड कलर का स्टार बना हुआ है उसको आपको ज़रूर भरना है, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं भरेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
इसलिए जितने पर भी जो है स्टार बना हुआ है वो कॉलम आपको अनिवार्यता भरने हैं, वो अगर आप छोड़ देंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए आप उनको सबको भरिएगा जिनके सामने, जिस पर जो है आपका रेड मार्क बना हुआ है। नीचे लिखा भी है ब्लॉक वन एजुकेशनल, ब्लॉक, मंडल, तालुका, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं, यानी स्टार वाले को आपको भरना ही भरना है। अब आप यहाँ पर कुछ और बातें ध्यान दीजिए। अब आप ये भरने के बाद यहाँ पर आपको तीन बटन नीचे दिख रही है, सेव, सेव एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट सेव करेंगे तो सिर्फ ये सेव होगा, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप अगले जो है उस पर पहुंच जाएंगे, आपको वहां वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल के बाद जो आपका प्रोफाइल के बाद जो पोर्टल है आप वहां पहुंच जाएंगे। तो आपको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट की बटन दिख रही है, इसको आप क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा और आप अगले पोर्टल पर खुद पहुँच जाएंगे। तो एंट्री हेतु उक्तानुसार साला प्रोफाइल के सारे बिंदु प्रदर्शित होंगे, उसमें लाल स्टार वाले बाक्स एवं क्लिक योग बॉक्स में जानकारी भरकर सेव या सेव एंड नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। सेव पर क्लिक से यहाँ की जानकारी सिर्फ सेव होगी, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने से जानकारी सेव होकर एंट्री हेतु आगामी बिंदु स्वयं खुल जाएंगे। तो इस तरह सभी सेक्शन बिंदुओं की एंट्री सेव करते जाना है। जितने भी बिंदु दिए गए हैं, अब कौन कौन से बिंदु होंगे वो आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोफाइल है, जब प्रोफाइल भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आप कैटेगरी पर पहुँच जाएंगे, कैटेगरी को भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप लैंग्वेज पर जाएंगे, लैंग्वेज को भरने के बाद फिर आप आरटी पर पहुंचेंगे, फिर मैनेजमेंट पर पहुंचेंगे, फिर क्लासरूम पर पहुंचेंगे, फिर टोटल फैसिलिटी पर पहुंचेंगे। इस तरह से इन सारे बिंदुओं को जो है आपको यूडाइज फॉर्म में भरना है। आप बड़े आसानी से दोस्तों आप इसे मोबाइल से अपने कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद लास्ट में जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ इन पोजिशन, टीचिंग स्टाफ पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ, यहाँ पर आप भरेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उक्तानुसार बिंदु 3.2 में शिक्षकों की कुल संख्या प्रविष्ट करना है, ध्यान रहे कि अतिरिक्त शिक्षकों की जानकारी प्रविष्ट नहीं करना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अगले पोर्टल में आ जाएंगे। यहाँ पर जो है देखिए इस तरह से यहाँ पर लिखे हुए हैं टीचर्स के जो है नाम भी लिखे हुए हैं और उनके बारे में उनकी जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर भरी आपको दिखाई पड़ेंगी। तो उक्तानुसार शिक्षक लिस्ट में नॉट कंप्लीटेड सभी शिक्षकों की जानकारी एडिट बटन के द्वारा अपडेट करना है। एडिट बटन दिख रहा है आपको, एडिट हर टीचर का इस तरह से एडिट बटन दबाने के बाद जो जानकारी अधूरी है उन जानकारियों को जो है आप भर दीजिएगा। इसी तरह शिक्षक जोड़ने के लिए ऐड बटन का प्रयोग करें, देखिए यहाँ पर ऐड बटन भी आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको शिक्षक जोड़ने हैं तो यहाँ जो है अगर आपका ऐड बटन दिख रहा है यहाँ पर ऊपर नीले पोर्टल पर कंप्लीट एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, उसके पहले ऐड है, अगर कोई टीचर जोड़ना है तो ऐड बटन को क्लिक करके नया टीचर का नाम और उसकी जानकारी यहां पर जो है आप जोड़ देंगे। सभी शिक्षकों की जानकारी अपडेट करने के बाद कंप्लीट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पोर्टल पर पहुंच जाएंगे कंप्लीट एंड नेक्स्ट बटन करने के बाद। तो मैनुअल में बताए गए दिशा निर्देश अनुसार समस्त बिंदुओं की एंट्री पूर्ण कर सेव करना अनिवार्य है। एंट्री में किसी प्रकार की समस्या होने पर ब्लॉक MIS से संपर्क करें। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो का सार। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको यूडाइज प्लस भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूडाइज का जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उससे ओपन कर सकते हैं और जिस प्रकार से मैंने बताया है आप बड़े आराम से जो है इसको भर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जो है यथासंभव आपकी समस्याओं का निदान सुझाऊंगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।